लेटने पे बीपी ज़्यादा, खड़े होने पे कम, और तीसरी चीज़ साथ ये होती है कि आपको खुराक के बाद स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको खड़े होने पे चक्कर आते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर एक दफ़ा लेट के चेक करें और एक दफ़ा खड़े होकर चेक करें। ये सेंसिटिव ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स या सेंसर्स, आप इन्हें जो भी कहना चाहें, अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाएं तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम पैदा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट कर सर भारी हो जाता है, सर दर्द होती है, बीपी बढ़ जाता है, और जब हम खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं और कई दफ़ा बीपी भी ड्रॉप कर जाता, ये क्या चक्कर है? इसी चीज़ के ऊपर और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है कि लेटने पर तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए और खड़े होने पर उतना ही गिर जाए और चक्कर आना शुरू हो जाए, ऐसा क्यों होता? नंबर वन, लेटने पे ब्लड प्रेशर बढ़ता इसलिए है कि कुदरत के तौर पे जब हम लेटते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर का सारा दौरान ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाता, यानी जो सी कशिश से शक्ल है, जब हम ये जो सी हमें नीचे खींच रही है ये ताकत, तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड जोन है वो नीचे की तरफ खींचा जाता है, तो हार्ट को पम्प करने के लिए ब्रेन की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करना पड़ता तो उसका जोर लगता, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो वो जोर नहीं लगाना पड़ता तो हार्ट का जो सा पंप है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता। लेकिन कुदरत इस मामले को बहुत अच्छी तरह से जानती थी तो उसने हमारे जिस्म में एक ऐसा पुर्जा लगा दिया कि जब हम लेटते हैं या जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ना बहुत तेज़ हो और ना ड्रॉप करे, इसको बैलेंस क्रिएट करना कहते हैं। बैरोसेप्टर एक कंडीशन होती, एक चीज़ होती है जो हमारे गर्दन में दोनों साइड पे अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं, ये बड़े बैरोसेप्टर्स हैं और भी कई हैं हमारे सीने में, इवन गुर्दे में छोटे छोटे लगे होते हैं, हार्ट के करीब भी होते हैं, लेकिन ये जैसे गर्दन वाले होते हैं ये मेन बैरोसेप्टर्स होते हैं, ये सेंस कर रहे होते हैं कि प्रेशर नीचे जा रहा है या ऊपर। मिसाल के तौर पर किसी को चोट लग जाए और खुदा ना खास्ता उसके जिस्म से खून रिसना शुरू हो जाए तो ये बैरोसेप्टर्स फौरी तौर पे दिल को बता देते हैं कि भाई तेज़ी से धड़को और बीपी ऊपर करो ताकि जो ब्लड बाहर चला गया उसकी कंपनसेशन हो सके। दिल को तेज़ी से भगाते हैं ताकि बाकी मांदा ब्लड पूरे जिस्म को सर्कुलेट करके उसकी ज़रूरत पूरी कर सके। ये सेंसिटिव ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स या सेंसर्स, आप इन्हें जो भी कहना चाहें, अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाएँ तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम पैदा होती। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लेटते हैं तो वो ब्लड प्रेशर जो उनसा शूट होना था वो इन रिसेप्टर्स ने उसको दोबारा स्टेबलाइज करना था, अब वो सेंसर्स ख़राब हैं तो बीपी लेटने पे ग्रेविटी मौजूद नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता और बीपी बढ़ जाता, और जब हम खड़े होते हैं तो वंस अगेन बैरोसेप्टर्स जो उनसे हैं वो सेंस ही नहीं कर रहे कि जनाब ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो उनसा है वो कम सप्लाई हो रहा है, तो आप दिल की रफ्तार को कहना है कि भाई तेज़ चलो, तो ना वो तेज़ करने का कहते हैं ना वो कम करने का कहते हैं, नतीजा होता है कि खड़े होने पर मरीज़ को चक्कर आता है, आँखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता। ये किन कंडीशन में मुमकिन है? बैरोसेप्टर एक असाबी पुर्जा है, ये एक ऐसा पुर्जा है जो नर्वस सिस्टम के साथ, इंसानी असाबी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो मर्ज असाबी निज़ाम को ख़राब करते हैं वो इसे भी ख़राब कर सकते हैं। मुश्किल मुश्किल से नाम है, लेकिन सबसे आम नाम जो शुगर का, डायबिटीज़ का आपने सुना होगा, उसके अंदर भी बाज़कत एडवांस स्टेजेस पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन असल में वो लोग जिनके गर्दन में सर्जरी हुई होती है किसी वजह से, तो यहाँ से वो नर्व्स अगर कट जाएँ तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जोन सा है वो इस तरह की बेरब्त किस्म की सूरत इख्तियार कर जाता। किसी का फ़र्ज़ करें थायराइड की डीप सर्जरी हुई है, लेरिंक्स की ख़ास तौर पे सर्जरी हुई है, जो ये सांस की नाली होती है, उसकी बाद कई लोगों को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को यहाँ पे रेडिएशंस लगती हैं, शुआएँ लगती हैं, तो शुआओं के नतीजे में यहाँ से ये जो सा असाबी पुर्जा है ये ख़राब हो जाता, तो फिर इसके नतीजे में तीन चीज़ें पैदा हो जाती। नंबर वन, लेटने पे बीपी ज़्यादा, खड़े होने पे कम, और तीसरी चीज़ साथ ये होती है कि आपको खुराक के बाद स्वेटिंग होना शुरू हो जाती। तो अगर आपने भी कभी इस तरह के फीचर्स देखे हैं, आपके अंदर आ रहे हैं, तो असाबी कमज़ोरी के लिए आपको शायद इलाज की ज़रूरत हो, और वो आपका एक माहिर मुस्तनद डॉक्टर कर सकता है। अपने मौलिक से डिस्कस कीजिए और
कोशिश कीजिए कि अगर आपको खड़े होने पे चक्कर आते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर एक दफ़ा लेट के चेक करें और एक दफ़ा खड़े होकर चेक करें। अगर अगर इनमें 20 दर्जे से ज़्यादा डिफरेंस आता, मिसाल नीचे आपने लेटे तो आपका ब्लड प्रेशर है 160 ऊपर वाला, लेकिन खड़े होने पे वो 100 पे आ गया, तो ये 60 दर्जे का डिफरेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनका डिफरेंस आपस में 20 दर्जे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और अगर है तो असाबी कमज़ोरी है और उसको इलाज की ज़रूरत है। उसके बहुत सारे तरीके हैं और वो आपका मौलज बड़े बेहतर तरीके से आपको समझा सकेंगे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता कर। शुक्रिया।